शिवाय शंभू, आप देख क्या रहे हो प्रभु? मिला कहते हैं भक्त जो लाता है भगवान उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु सभी आपको बेल पत्र फूल फल आदि देते हैं, तो मैंने सोचा कुछ तो स्वादिष्ट आहार बनाओ आपके लिए। जय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पापी, इस मंदिर में साबिश भोजन लाने का दो साहस कैसे किया तुमने? इतना बड़ा अपराध, इसका परिणाम भुगतना होगा। इसे बाहर ले जाकर दंडित करेंगे इसे। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे देखते नहीं कि मैं प्रभु को शमुया को भोजन करा रहा हूं। अरे रुक जा, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। दोष उसका नहीं, उसकी अज्ञानता का है। देखिए ना, पहले तो उसे आप में कोई आस्था ही नहीं थी, और जब वो हुई तो कितना विचित्र व्यवहार कर रहा है। प्रभु, उस ना समझ को मैं मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रभु के नेत्रों में इतना क्रोध। भक्त है तो भगवान है। मेरे किसी भी सच्चे भक्त को मेरे मंदिर में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता। क्षमा करें प्रभु, वर्षों से आपके इस मंदिर की सेवा और आपकी विधिवत पूजा करता आ रहा हूँ, किंतु आपने उसे दर्शन दे दिए जो आपकी पूजा करना भी नहीं जानता, न मंत्र न पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानता। प्रभु, फिर वो आपका भक्त कैसे हुआ? एक मकड़ा मेरे ऊपर चलकर जानबूझ कर मुझे धूप से सुरक्षित रखकर मेरा भक्त बन सकता है। एक हाथी अपनी सूंड में लाए जल से मेरा अभिषेक कर मेरा भक्त हो सकता है। एक सर अपने पेट से रत्न उगल कर उन्हें मुझे समर्पित कर मेरा भक्त हो सकता है, तो फिर ये मेरा भक्त क्यों नहीं हो सकता? भक्ति करने की विधि सबके भी हो सकती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं किसकी किसकी में खोट है। प्रभु, उन्होंने तो अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था। कठोर परीक्षा से होकर निकले थे वो, उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। प्रभु, तो अब ठिन्ना की परीक्षा का भी समय आ गया है। प्रभु ने ये वायु प्रवाह उत्पन्न क्यों किया? प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, तुम्हें लगा प्रभु कि वो लोग मुझे हाथ करेंगे तो मैं नहीं लौटूंगा? कहीं यहां के पुजारी जी ने मेरे विरुद्ध आपसे कुछ कह तो नहीं दी? ना मंत्र, ना क्रिया, ना विधान, किसी का ज्ञान नहीं है मुझे। मुझे तो बस इतना ज्ञान है कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका भक्त। हमारा संबंध तो ठीक उसी प्रकार है जैसे पुष्प का सुगंध से होता है, पति का पत्नी से होता है। प्रभु के नेत्रों में रक्त के अश्रु। ये तो उचित नहीं, मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई? तो प्रभु, प्रभु आप चिंता ना करें, यदि मैंने आपको दुख दिया उसको निवारण ही मैं ही करूंगा। मैं अपना नेत्र ही आपको दे दूंगा। नमः शिवाय। नमः शिवाय। देखिए इसे प्रभु और बताइए उत्तम है ना? लीजिए प्रभु, अब रोग एक नेत्र में होगा तो दूसरे में तो पहुंचेगा ही ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु, सिन्ना है ना, और मेरे पास दो दो नेत्र हैं प्रभु।
जो श्रेष्ठ भी है और कुशल भी। प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं अपने दोनों नेत्र आपको देकर स्वयं कैसे देखूंगा। आप है ना प्रभु मुझे मार्ग दिखाने के लिए, किंतु आपको तो अनेकों भक्तों को देखना होता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है, इसलिए आपके पास नेत्रों का होना और आपका देखना तो आवश्यक है। लीजिए प्रभु, ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैंने अपने दोनों नेत्र विलग कर दिए तो मैं ये कहां से देखूंगा कि मैंने ये दूसरा नेत्र कहां स्थित करना है। कोई बात नहीं प्रभु, उसका भी उपाय ढूंढ लिया है मैंने। अंतिम बात आपके मन भर के दर्शन तो कर लो प्रभु, अब कोई भूल नहीं होगी प्रभु। सदैव अपनी संतानों को कुछ न कुछ अवश्य देता हूँ, किंतु यहाँ तो आरंभ से ही तो मुझे कुछ न कुछ देते आ रहे हो पुत्र। मुझे भक्ति दी, भोजन दिया और अपने दोनों नेत्र दी मुझे, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी गिनती मेरे महानतम भक्तों में होगी और तुम्हें कनपा पुकारा जाएगा धन्यवाद।